नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये हमारा पार्ट टू है बी से शुरू होने वाली फाइव मेडिसिंस, जिसमें हम आपको पांच दवाइयों के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके उपयोग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वीडियो पूरा देखें। सबसे पहली दोस्तों जो यहाँ पर हमारी मेडिसिन आती है बी से शुरू होने वाली, वो है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन की बात करें दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल ऊपरी श्वसन तंत्र में जब कभी संक्रमण हो जाता है बैक्टीरिया से, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। हर्पीज वायरस इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, साइनस के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, गले में खराश है, खांसी की दिक्कत है, तब भी डॉक्टर इसको देते हैं। नाक व गले का वायरल संक्रमण अगर है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों के, मुहासों की दिक्कत, कील मुहासों की दिक्कत है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो दवाई है ये मुख्य रूप से रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब जोड़ों से संबंधित बीमारी जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, उसमें भी ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। खाने के तरीके के बारे में बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसमें कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं देखने को मिलता है और इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से आप करें। दोस्तों अगली जो हमारी मेडिसिन आती है वो है बेसाग्लार, जो कि एक इंसुलिन ग्लार्जिन होता है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक इंसुलिन का इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों में किया जाता है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को दूसरे इंजेक्शन के साथ में कभी भी मिक्स करके नहीं लगाया जाता है, हमेशा सिंगल इसको दिया जाता है। और दोस्तों ये जो है ये दिन के समय में कभी भी आप कर सकते हैं इसका। दोस्तों अगली जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन आती है वो है बेवेंसिया। बेवेंसिया के उपयोग के बारे में बात करें तो अगर मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का कैंसर हो गया है या फिर किडनी कैंसर है तो उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अदर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं उसके कॉम्बिनेशन के साथ में किया जाता है अच्छे लाभ के लिए। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो जो अगली हमारी मेडिसिन आती है वो है सुप्रीनॉर्फिन। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग जैसे कि चक्कर आना या फिर उद्दीपन, सिर में दर्द या फिर मितली की शिकायत होना, थकान रहना, सिर दर्द और बुखार के इलाज में किया जाता है। और अगर अनियमित थकान बनी रहती है आपके शरीर में तब भी इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। दोस्तों अगली जो हमारी दवाई आती है वो है बिलसोमरा। दोस्तों इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग जिन लोगों को नींद आने की दिक्कत है, कहने का मतलब है जिन लोगों को नींद नहीं आती है, तब इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। ये जो दवाई है ये क्या करती है, हमारे जो हमारा जो ब्रेन है, जो नर्व एक्टिविटी, नर्व सेल्स की एक्टिविटी एक्सेसिव हो जाती है उसको ये कम कर देती है, जिससे दोस्तों हमारा थोड़ा सा माइंड शांत होता है और हमें नींद अच्छी आ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पांच दवाइयाँ और उनके उपयोग। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।